न्याय कराएंगे, तो उसके हाँ लिए भी छोटा सा फार्मूला करा दिया। उसमें कहा कि सर दो तरीके की अपील होंगी, एक अपील अगेंस्ट द जजमेंट और दूसरा अपील अगेंस्ट द जज। यदि प्रार्थी ने अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर की है तो इनडायरेक्टली प्रार्थी ये आरोप लगा रहा है कि ये जज दुष्ट है, इसने साक्ष्यों को नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है। ये पावर होना जरूरी। इस स्थिति में उन जज महोदय को कटघरे में खुद खड़ा होना होगा और अपने बराबर जजमेंट को डिफेंड करना होगा, और यदि वो जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाए तो वो डी पैनल हो जाएंगे। डी पैनल का मतलब है कि वो जज नहीं रहेंगे, तो हमें कोई मांग अभियोग चलाने की जरूरत नहीं है। तुमने गलत जजमेंट दिया, तुम साले बाहर हो गए, राइट? ठीक है ना। और लाखों का जो है ना आपको हर्जाना देना होगा। बताओ किस जज की हिम्मत है कि वो आपको न्याय ना दे? है किसी जज की हिम्मत? नहीं, ये यदि नियम रहेगा तो कहाँ बाहर जाएगा वो, तो उसको सही जजमेंट देना ही पड़ेगा। और अपने विवेक से जजमेंट देते हैं बहुत सारे मजिस्ट्रेट, वो कानून कायदा तो वो वकील बकता रहता है बैठ के, और वो अपना जजमेंट खुद ही अलग से दे देते हैं, बाद में पता लगता और कई बार वो जजमेंट खरीदा हुआ होता है। है रहता भी है, और नहीं तो अपने मन से दे दिया, पता लगा रहे आज तो दो को सजा देना है दे देता हूँ मैं। ऐसी भी कहानी कई बार देखने में आई। तो मेरा ये कहना है कि साहब इसमें पांचवी चौथी सर्टेनिटी है कि हमने एक डिजिटल चित्रगुप्त बना दिया है जो हर अपराधी के बारे में 360 डिग्री उसके पास इंफॉर्मेशन ऑलरेडी संकलित होती रहेगी, किसी को प्रयास नहीं करना होगा। और वो इतना पावरफुल हो जाएगा 4-5 साल के अंदर कि जब अपराधी अपराध करने की नियत से बाहर निकलेगा तो सिस्टम को मालूम रहेगा कि अपराध करने की दृष्टि से निकल रहा है, इस रास्ते का उपयोग करेगा, और इसका टारगेट ऑफ ऑफेंस कौन होगा। बीच में जो बहुत सारे सेंसर्स और सीसीटीवीज रहेंगे वो उसकी हाइपोथेसिस को कंफर्म करेंगे, तो कहेंगे हाँ प्रिडिक्शन इज करेक्ट, और फिर जो है उसको वो अपराध करने के पहले गिरफ्तार किया जा सकेगा। और बैकएंड टेक्नोलॉजी वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से बनाई गई है। यहाँ तो इतने दुष्ट लोग हैं कि पुलिस ही उनको खबर दे देती है और वो 18 जो है ना हाँ पुलिस बिल्कुल वालों को मार देते हैं। विकास बिल्कुल सही कह रहा दुबे ने 18 पुलिस वालों को, एक डिप्टी एसपी को किल कर दिया था। हूँ, बहुत पेपरों में पढ़ते ही रहते हैं। तो मैं यही कह रहा हूं कि यहाँ तो साला हर अपराधी कहते हैं हर कुत्ता अपनी गली में शेर होता है, तो हमारा सिस्टम जो है इंटरवेंशन का वो कह रहा है कि यदि हम अपराधी को अपराधी की गली में पकड़ने जाएंगे तो शेर की तैयारी से जाएंगे साला, ऐसे कम पैसे, और नहीं तो इन अपराधियों को कुत्ते की हैसियत से कुत्ते की जगह पर पकड़ेंगे। इतना पावरफुल सिस्टम, और फिर जो है सभी अपराधियों को, देखिए अपराधी भी सिस्टम के कारण बनते हैं, उन्हें सबको घूस देना है, वकील को पैसे देना है, ये देना है वो देना है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, फिर उन्हें अपने बच्चों को पालना है, खुद को भी पालना है, तो ये चारों तरफ से जो चीजें हो रही हैं उसके कारण उसे अपराध करने के अलावा कोई विकल्प ही नहीं है उसके पास। उसके बाद तो हमारे क्राइम फ्री भारत का जो है ना पांचवी सर्टेनिटी कह रही है कि भारत में ऐसा कोई क्रिमिनल ही नहीं होगा जिसको हम रिहैबिलिटेट नहीं करेंगे। और सही मायने में देखा जाए तो जो पांच फंडामेंटल राइट हमने आपको बताए हैं ये क्रिमिनल्स को रिहैबिलिटेट करने के इसी सिद्धांत के तहत निकले हैं। क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि सर जी डीजी साहब मुझे ये बताइए, आप अपराधियों के प्रति तो इतने सिंपैथेटिक हैं, जो अपराधियों जैसी ही बुरी स्थिति में हैं, ऐसे आम नागरिक जो अपराध फिर भी नहीं कर रहे हैं उनके प्रति आपके हृदय में कोई दया भाव नहीं है क्या? ये क्वेश्चन मुझसे पूछा गया। तब जी मैंने कहा आप दया भाव की बात कर रहे हो, मैं उनको समृद्ध बना दूंगा, उनको रोजगार दे दूंगा, उनको जो ना हेल्थ दे दूंगा, उनको भोजन दे दूंगा, और कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, साथ में समृद्धि भी मिल जाएगी। हमें जो है ना आज की दुष्टतापूर्ण जो है ना नीति नहीं चाहिए होंगी, हमें माननीय नरेंद्र मोदी जी का 80% जनता को जो है ना 2 किलो राशन नहीं चाहिए, वो समृद्ध होंगे। बल्कि जिनके पास बहुत ज्यादा धन होगा वो ये बात सोचने के लिए विवश होंगे कि ज्यादा धन होने से मुझे क्या फायदा है, जब सबसे गरीब आदमी भी खुश है, उसके बाद समृद्धि है, रोजगार है, मस्त है, तो ये धन से हमें क्या मिल रहा है? शायद धन की अत्यधिक धन संकलन की जो उपाय 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 देता है वो खत्म हो जाएगी, जी वो टेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी। और ये भारत जो है अनिल दुबे जी, बहुत आसानी से हमने एक सत्यनारायण की कथा कही है उसके हिसाब से मिल जाएगा कि देखो आरएसएस और इन सब के रहने के बावजूद भी क्या भाजपा जो है ना अच्छे लोगों को टिकट दे रही है क्या?
नहीं, वो पूरा फंडा राजनीति का अपने हिसाब से ही चल रहा है। तो सभी राजनीतिक पार्टियां जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, संप्रदाय के आधार पर, संकीर्ण राजनीति के आधार पर किसको टिकट दे रही हैं? दुष्टों को, बाहुबलियों को, धन बलियों को, अपराधियों को। और ये सभी लोग, दुष्ट लोग, गरीब लोगों को दारू बांट रहे हैं, पैसे बांट रहे हैं, साड़ी बांट रहे हैं, मुर्गे की टांगे बांट रहे हैं और उनके वोट को खरीद रहे हैं। और इतने दुष्ट हैं कि जिनके वोट से जीत रहे हैं उन्हें रिप्रेजेंट ही नहीं करते हैं, पार्टी के बंधुआ मजदूर बन गए हैं, पार्टी से भिप से बंधे हुए हैं, उनका मुंह नहीं खुलता है लोगों के हित में बात करने का। वो पार्टी हाईकमान से डरे हुए एकदम बेकार मजबूर लोग हैं। आप बताइए, किसी भी पार्टी का व्यक्ति देख लीजिए, वो अपने हाई कमांड से बेहद ही घबराया डरा हुआ बेकार सा प्राणी है कि नहीं है? बिल्कुल है ना, वो तो हाई कमांड भी चाटुकारी का करता घूमता है, बस इसके अलावा दूसरा काम थोड़ी। और हाई कमांड कितना घटिया है कि वो वो जो तो है ना, नूपुर शर्मा ने जो बात कही वो हदीसों में लिखी हुई है, उसने अपने मन से कोई बात गलत नहीं कही, कोई बात अपने मन से नहीं बनाई है, और वो भी प्रोवोकेशन के बाद कही है, और भाजपा ने जो ना उसे राष्ट्रीय पद प्रवक्ता के पद से हटा दिया। मतलब कैसे लोग हैं ये? और हम लोग मोदी 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 कह रहे हैं, बीजेपी 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 कह रहे हैं। यदि बीजेपी सही थी तो उसने जो 55 के लगभग जो ऑफेंसेस हैं जो कि संविधान के विपरीत बने हैं, उन्हें क्यों रिपील नहीं किया? वर्सेप प्लेसेस एक्ट जो है ना, इट इज ए ग्रॉस वायलेशन, क्यों रिपील नहीं हुआ? बकबोर्ड एक्ट इज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ इक्वलिटी, क्यों उसका वो नहीं हुआ? माइनॉरिटी कमीशन इज ए वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट, उसका कैसे कैसे चल रहा है? माइनॉरिटी कमीशन कैसे है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री कैसे है? इज इट नॉट वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट? तो फिर बिल्कुल ठीक है। भाजपा तेल लेने गई है क्या? आरएसएस के तेल लेने गई है क्या? नहीं, ये तो आरएसएस सब को और लोग भाजपा को दोनों को कर लज्जा रहे हैं, क्यों नहीं आना चाहिए? कोई वोट छूटने ना पाया और सरकार में बने रहे, इसलिए सबके मुंह में मुंडी हिला देते हैं ये लोग, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे छोटी मैं कम्युनिटी तो की। ये कह रहा हूं कि मैथिली शरण गुप्त सभी जाति के, सभी धर्म के लोगों को ये 5 फंडामेंटल राइट और 21 महालक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत दे देंगे बिना किसी भेदभाव के। और किसी की औकात नहीं है कि आज जैसी गड़बड़ी कर पाए, किसी की औकात नहीं है, किसी धर्म की औकात नहीं है कि धर्म के विरुद्ध बात करे। मतलब तुम कह रहे हो कि साला जो है, जो हमारी बात ना माने वो काफिर है, ये कौन सा धर्म है? सभी कहते हैं कि सभी धर्म बराबर होते हैं, ईश्वर अल्लाह एक समान, और आप कहते हैं कि हमारा जो पैगंबर है वही सबसे बड़ा है, हम उसी के अलावा किसी को नहीं मानते, जो उसको नहीं मानता है वो काफिर है, तो ये धर्म है? कट्टरता है। मैं तो ये कह रहा हूं, आरएसएस और भाजपा 10 साल अभी, और अब तीसरा टेनवर चल रहा है, और उसके पहले भी तो 3 टेनवर मिल गए हैं, 13 दिन का, 13 महीने का और एक पूरा टेनवर, जी मिला है ना, तो तेल लेने गए हैं क्या? तो अपना कहना बड़ा सिंपल है कि जन कल्याण के लिए अब मैथिली शरण गुप्त जैसे, पहले नारद मुनि भटकते भटकते जो है, जब उन्होंने मृत लोक में देखा कि लोग बाग तमाम जो है कष्टों में फंसे हुए हैं और वो उस वेदना को नहीं झेल पाए, तो फिर वो बैकुंठ धाम पहुंच गए। कहा, हुजूर आपके मृत लोक में ये सब हो रहा है, कोई ऐसा उपाय बता दो जिससे उन लोगों का कल्याण हो जाए। तो उन्होंने जो है ना सत्यनारायण कथा का एक साधारण सा उपाय दिया जो हम और आप करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? डर होती है। मैथिली शरण गुप्त ने नए